Here, let us solve the next question, question number 8. The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having its area equal to sum of the areas of two circles. Here, we have two circles. First circle, center O and radius R1, and the second circle, center O dash and radius R2, and again a third circle. The area of third circle is equal to the area of the sum of the given two circles. इसकी रेडियस को कंसिडर करते हैं R एंड सेंटर लेट करते हैं इसका C. नाउ लेट द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली. R1 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. नाउ अप्लाई द कंडीशन एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल A से डिनोट करते हैं, फर्स्ट वाले को A1 से एंड सेकंड वाले को A2 से. नाउ A इक्वल टू A1 प्लस A2. ठीक है, आप लिख सकते हैं लेट A1 बी द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड A2 बी द एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल. नाउ अप्लाई द कंडीशन पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर. पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर स्क्वेयर इक्वल टू R1 स्क्वेयर यानी कि 64, R2 स्क्वेयर यानी 36. तो यहाँ से R स्क्वेयर इक्वल टू 100, अगेन R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, यही हमें फाइंड करना था. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि थर्ड सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी थी जिसका एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन सर्कल के इक्वल है. ठीक है, हमने वही फाइंड आउट किया. ठीक है, यही इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेम बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है हमें. ठीक है.